दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू कियान व्लॉग्स। कियान व्लॉग्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा रहेगा लोई के बारे में कि लोई कहाँ मिलती है, दोस्तों गर्म चादरें कहाँ मिलती हैं। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी। शोले फिल्म के अंदर जो बंदा ठाकुर होता है, जो ठाकुर का रोल, जो किरदार जो निभा रहे होते हैं संजीव कुमार, जो वो चादर ओढ़ते हैं उसको लोई कहते हैं। तो वो कहाँ मिलती है, होल सेल में कहाँ मिलती है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद आप लोगों तक मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेंगे। अगर आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हैं तो आप लोगों तक मैं जो वीडियो आगे अपलोड करूँगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है तो आप दबा लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों धारीवाल की लोई जिनको बोलते हैं, लोई के अलावा इसको कुछ और भी बोलते हैं, लोई बोलते हैं, जेंट्स लोई जैसे, जेंट्स लोई जो बोलते हैं। ये जेंट्स लोई है दोस्तों और धारीवाल की है। क्या रेंज की है ये? 100 रुपए। 100 रुपए, 100 रुपए में तो काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है। इसमें 100, 150, 125 ऐसे क्वालिटी बढ़ती रहेंगी। इसमें दो कलर आ जाएंगे 100 रुपए में। 100 रुपए में कौन कौन से कलर है? एक ग्रे जैसे ये कलर होता है। अच्छा, एक तो ये क्रीम कलर हो गया और दूसरा ये कलर हो गया ग्रे सा। ठीक है सर। और इससे ऊंची क्वालिटी? इसी में जैसे व्हाइट ही है ना। हाँ, दो कलर जैसे अब थोड़ा सा इसमें आपको पता नहीं लगेगा क्वालिटी का। इसी तरह की क्वालिटी बढ़ती रहेगी। अच्छा, व्हाइट ही आती रहेगी। हाँ कोई बात नहीं, पर मतलब इसमें 100 रुपए से स्टार्टिंग होकर के इससे ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए ना व्यूवर्स को कि हाँ मतलब 100 रुपए वाली ये इस रेंज की है और 300 रुपए वाली इस रेंज की, 500 वाली इस रेंज की है। ये वाली लोई कितने की है? ये 350 रुपए। हाँ देखो है ना डिफरेंस, हाथ लगाने से पता चल रहा है डिफरेंस का। कपड़े पे हाथ लगाने से ना डिफरेंस महसूस हो रहा है 100 रुपए वाली और 300 रुपए वाली से। काफी सॉफ्ट कपड़ा महसूस हो रहा है इसका। ये वाली दोस्तों 300 रुपए की पड़ेगी दोस्तों आप लोगों को यहाँ से। इफ यू वांट टू बाय लोई तो आप लोगों को यहाँ से ₹350। ये भी लोई है? हाँ, कश्मीरी लोई है, कितनी भी सर्दी में ले लो। अच्छा, ये दोस्तों कंबल टाइप की लोई है, ये आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। कितने की मिल जाएगी ये वाली? 350 रुपए में। ये कितनी भी सर्दी हो उसके अंदर आप लोग इसको ओढ़ सकते हैं, काफी गर्म है। ₹160 में ये वाली आप लोगों को मिल जाएगी यहाँ से दोस्तों। दोस्तों अभी मैं फिलहाल जैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को देखने में डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं खुद जैसे ऐसे हाथ लगा के इनको जैसे फील कर रहा हूँ तो डिफरेंस है। जैसे 300 रुपए वाली में अलग ही क्वालिटी, अलग ही जान लग रही है। जैसे 160 रुपए की है तो इसको हाथ लगाने से पता चल रहा है कि यस इट इज 160 रुपीज क्वालिटी। तो आप लोगों को दूर से शायद नहीं पता चलेगा, इफ यू विल कम हियर तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। ये वाली 415 रुपए की। ये देखिए दोस्तों 415 रुपए की लोई है, शुद्ध इस पे लिखा हुआ है शुद्ध ऊन से बनी उच्च क्वालिटी की लोई। काफी अच्छी लोई है दोस्तों 415 रुपए में। क्वालिटीज बहुत होती हैं इसमें, ये थोड़ा सा डिफरेंस लगाना काफी मुश्किल होता है कि कौन सी किस क्वालिटी की है। आप लोगों को जब आप लोई को हाथ लगाएंगे तभी आप लोगों को महसूस होगा कि लोई किस क्वालिटी की है, कैसी है। बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड। इसका 415 रुपए बताया था ना? 415। ठीक है। कौन कौन से होते हैं लोई में आपके पास? जैसे लाल इमली धारीवाल, धारीवाल लाल इमली धारीवाल, लाल इमली धारीवाल। हाँ। और डीटीएम 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 धारीवाल डीटीएम धारीवाल। हाँ। ठीक है।
ये दो तीन कंपनी होगी हमारे पास। अच्छा, इनके आप होलसेलर है मतलब? ये 260 रुपये? ये 260 रुपये की पड़ेगी दोस्तों। 335 रुपये 335। गृह लक्ष्मी क्वालिटी 335। राजेश खन्ना वाली क्वालिटी है। राजेश खन्ना नहीं पहनता यार मोस्टली फिल्मों में, कोडा और ये बात। नजदीक से देखिए दोस्तों, नजदीक से आप लोगों को कपड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। 335 रुपये में बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी, वेरी गुड। बाकी जो मर्जी हुंदा हो जावे मेरे कमेंटा च गाल नहीं कढ़नी।